लॉकडाउन के बाद पेट्रोल और डीजल के भाव में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने जहां आम आदमी की कमर तोड़ दी है, वहीं अब ट्रांसपोर्ट व कुरियर कारोबारी भी इससे अछूते नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि उनकी कंपनियों के साथ एक साल का रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है और बीच में डीजल में इतनी बढ़ोतरी हो गई है, अब माल लेकर जाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि सालाना कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कंपनियां बीच में रेट नहीं बढ़ाती। बड़े ट्रांसपोर्टर्स ही नहीं, छोटा काम करने वाले जैसे कुरियर या सामान मंगवाने वाले दुकानदार भी परेशान हैं। इस मुद्दे पर जब अम्बाला के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव मनु आनंद से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि हम पूरे नॉर्थ में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, पिछले कुछ दिनों में डीजल का रेट 11 रुपए तक बढ़ गया है, जिससे हमारा काम आधा हो गया है। कंपनियां जिनसे कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है वह रेट बढ़ाने को तैयार नहीं है। हम इस टाइम पूरे नॉर्थ में काम कर रहे हैं। मुझे बताएं जो डीजल वगैरह के रेट बढ़ रहे हैं। डीजल अप्रॉक्सीमेटली 11.5 रुपये बढ़ गया एक ही महीने के अंदर, जून के अंदर। तो उससे हमारी डीजल जो कॉस्ट है पिछले 3 साल में 25% बढ़ गई हुई है। 3 साल से किसी भी कंपनी ने रेट नहीं बढ़ाया, हम कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं। और अब हम जिस कंपनी को रेट के लिए बोलते हैं उनके पास एक्सक्यूज है, जी कोविड चल रहा है, हमारा काम आधा है और हम ऑफिस में नहीं आ रहे, इससे कोई पर्पज सॉल्व नहीं होता। अगर उनका काम आधा है तो हमारा काम पहले से ही आधा है। एक तो काम कम, ऊपर से डीजल की मार, ऊपर से लेबर की शॉर्टेज, लेबर्स घर चली गई हैं, उनको वापस लाने का कोई साधन नहीं है, इसलिए हम बाहर से लेबर अरेंज कर रहे हैं, लेबर की कॉस्ट 3 गुना पड़ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट में 25% का फर्क पड़ गया, और इस 25% को कवर करने के लिए कोई भी कस्टमर कोऑपरेट नहीं कर रहा आज की डेट में, और ये मार पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर पड़ रही है। और गवर्नमेंट्स ने भी जो टीवी में न्यूज़ दी थी कि हम जो ये 3 महीने कोविड है, अगर किसी के टैक्स रह गए तो हम कोई पेनल्टी नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, मैंने अपनी सभी गाड़ियों के टैक्स विद पेनल्टी जमा कराए हैं, और मैंने 5-5 दिन 6-6 दिन वेट किए कि पेनल्टी ना लगे, उनके चक्कर काटता रहा, उन्होंने उस 6 दिन की भी पेनल्टी ली है मेरे से। कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, सिर्फ टीवी पे खोखले वादे और कुछ नहीं। इसमें आपने कुछ भाड़े भी बढ़ाए हैं आपके? कुछ भाड़े तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जी, कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होंगे तो भाड़े बढ़ेंगे। हमारी काउंटर बुकिंग तो है नहीं, लोग काउंटर पे आए माल बुक करा गए, हमारे तो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हैं, कंपनी को मेल डाल रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। हर किसी का एक ही जवाब है कि ऑफिस में कोई आया ही नहीं हुआ जी, कोविड-19 है। पर काम सबका चल रहा है, जब ऑफिस में कोई नहीं है, काम सबका नहीं चल रहा है, आप रेट बढ़ाओ, कोई रेट बढ़ा ही नहीं रहा जी। अगर हम बोले तो कितना फर्क? मैं सेक्रेटरी हूँ प्रधान जी, तिलक राज जी, आप यहाँ के सचिव भी रहे हैं, कितना अम्बाला को लॉस हो रहा है रोज? अम्बाला को लॉस तो आप देखो, मैं छोटा सा ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरे को हर महीने 2.5 लाख रुपए का लॉस है। आप उस हिसाब से आइडिया लगा लो, अम्बाला में तकरीबन 50-60 ट्रांसपोर्टर हैं अच्छे, इसका तो करोड़ों में लॉस है। वहीं जब कुरियर का काम करने वाले नरेंद्र अहूजा से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि वह पिछले 30 साल से इस काम को कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है उससे उनके काम की कमर टूट गई है, वह काम पूरी तरह ठप हो चुका है। मेरा नाम नरेंद्र आहूजा है और मैं तकरीबन कोई 30 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट लाइन में हूँ, कार्गो लाइन में, कोरियर में। और डीजल के दाम जो है इस समय लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण जो है इसका बोझ जो है आम जनता पर पड़ रहा है, और हमारी लाइन का तो सारा काम ही ठप हुए जा रहा है, क्योंकि आगे रेट्स बहुत ज़्यादा कंपनियाँ इंक्रीज़ करे जा रही हैं डीजल के भाव बढ़ने से, और कंपनियां जो हैं माल बुक कराने में दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा, तो महंगाई इस समय बहुत ज़्यादा हो गई है। और दूसरा, क्या ग्राहक बढ़ा हुआ पैसा दे रहे हैं? जी नहीं, ग्राहक इस समय जो है बहुत कम आ रहा है। काम जो था हमारा पहले समझो 100% में से इस समय मुश्किल से 5-7% ही काम रह गया है। काम तो इस समय बिल्कुल ठप है, सवेरे आते हैं शाम को उठ के बस घर ऐसे ही चले जाते हैं, क्योंकि आगे जो है रेट्स कंपनियों ने बहुत बढ़ा दिए हैं और पार्टियां इतने रेट्स देने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि पार्टियों के पास भी जो आजकल कॉलेज बंद हैं, स्कूल बंद हैं कोविड के कारण, साइंस मार्केट है जैसे अम्बाला में, तो उनके पास कोई बिजनेस ही नहीं है, कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहे, तो आगे हमें भी काम नहीं मिल रहा, हमारा भी कारोबार ठप है। ट्रांसपोर्टर ही नहीं, ट्रांसपोर्ट से सामान मंगवाने वाले दुकानदार भी इस बढ़े हुए रेट से परेशान हैं। कंप्यूटर व्यवसाय दीपक सूद का कहना है कि ग्राहक बाजार में है नहीं, इक्का दुक्का जो आते हैं वह सामान का भाव देखकर ही वापस चले जाते हैं। डीजल बढ़ने से ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने अपनी रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, जिनकी वजह से सामान मंगवाने में बड़ी परेशानी आ रही है। जो पैकेज पहले 100 रुपए में आता था वह 300 में आ रहा है। मेरा नाम दीपक है जी, अम्बाला कैंट में मेरा कंप्यूटर का काम है। आजकल
माल की शॉर्टेज बहुत हो रही है, कुछ डीजल का रेट बढ़ गया है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी पड़ रही है। पहले जो पैकेट 100 रुपये में आता था, आज वो 300 रुपये प्लस आ रहा है। ग्राहक उतना पे नहीं कर रहा है, हमें सामान मंगाने में बहुत दिक्कत हो रही है। कृपया इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और हमारी हेल्प करी जाए, सभी दुकानदार इससे पीड़ित हैं। तो ग्राहकों में कितना फर्क पड़ा आपको? बहुत कमी हो गई है, ग्राहक मतलब माल लेने से मना कर रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि कॉस्टिंग का प्लस हो रही है, बहुत ज्यादा अप हो गया प्राइस। अब में पहले जो पैकेट कॉस्टिंग इतनी बढ़ गई है कि उसको बेचना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, हम कैसे सेल करें हमें समझ नहीं आ रही है। अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।